गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस फॉर एक्सपेरिमेंट। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं रोज़ पे, एक नया एक्सपेरिमेंट। आज हम बताएंगे कि रोज़ में क्या क्या होता है, सभी के नेम बताएंगे और फंक्शन बताएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में रोज़ है और ये फैमिली रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये रोज़। और इसमें जो आप कलर पार्ट देख रहे हैं ये है पेटल्स, इसको पेटल्स कहते हैं। और इसमें ये पीछे जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये कांटे लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेपल्स। और ये पेडिसिल से जुड़ा हुआ होता है और ये सीधा स्टेम में फिर जुड़ा होता है। और इसमें अभी हम आपको इसको काट के दिखाएंगे अंदर क्या क्या होता है। चलिए तो अब हम इसके लीव्स को हटाते हैं, धीरे धीरे हटाएंगे, देखेंगे कुछ टूट ना जाए अंदर। ऊपर से हटाते हैं, हाँ तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो येलो पार्ट है ये एंथर होता है, एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं, इस रोज़ के पॉलन ग्रेन इसमें बनते हैं एंथर में। यहाँ से बनने के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से फूट के ये स्टिग्मा पे गिरेंगे या यहाँ से उड़ के कहीं और गिर जाएंगे, तो वहाँ पर गिरेंगे। वहाँ पर ये जो बीच में दिख रहा है ये स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा जिसमें पॉलन ग्रेन जाकर वहाँ पे चिपकता है और वहाँ पे फ्यूज होके फिर पॉलन ट्यूब के द्वारा होता हुआ ओवरी में जाके फर्टिलाइज होता है, जिससे कि फिर नया रोज़ बनने लगता है। अभी देखिए कितने सारे एंथर हैं और एंथर जुड़े हुए हैं इस फिलामेंट से और ये फिलामेंट ओवरी में जुड़ा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर है ये एंथर है, एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है। इसके रिसेप्टिकल्स, इसके ये सेपल्स भी हटाते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे। वैसे मुझे रोज़ तोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए तोड़ना पड़ा, बहुत बुरा लगा। ध्यान से देखिएगा, अब हम इसका एलएस काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। ऐसे ऐसे में हम ब्लेड की हेल्प से काटेंगे लंबा लंबा ऐसे इसको। हाँ तो हम ब्लेड की मदद से बड़ी ही सावधानी से कट करेंगे, अंदर कुछ भी कटना नहीं चाहिए, आपकी एक मिस्टेक से प्रैक्टिकल ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए हम यहाँ नीचे से काटेंगे, ये देखिए गाइस अब यहाँ पे कट गया है। अभी आपको देखो दिख जाए, दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये जिस पे मेरी पेन की नोक है, ये स्टिग्मा सीधे यहाँ से पोलेंट्यूब और पोलेंट्यूब से अंदर देखिए सीधा ये ओवरी में आता है। ये ओवरी है इसकी, देखिए कितनी सारी ओवरी है इसमें। ओवरी के अंदर देखिए ओवल्स हैं, ये ओवल्स और ये बाहर का ये स्ट्रक्चर, ये जो है ये ओवरी है, इसके अंदर ओवल्स प्रेजेंट हैं। ये ओवल्स, इस ओवरी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है इसका, फूल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये नया फ्लावर बनाते हैं।
देखिए गाइस, अभी इतना जूम करके नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये हमें माइक्रोस्कोप में बहुत ही आसानी से दिखेंगे। हम आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाएंगे कि ये कैसे दिखते हैं। तो इसमें देखिए कि इसके इतने छोटे छोटे पार्ट, इतना छोटे फ्लावर में देखिए कितने सारे पार्ट होते हैं अंदर, और क्या नेचर ने बनाया है इस फ्लावर को, इतने सारे एंथर्स, कितना छोटा इसका पॉलन ग्रेन होता होगा जो हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते ऐसे। तो गाइस, ऐसे ही नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों का साथ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।